वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। राइट शेयर इशू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइट शेयर क्या है, राइट शेयर की बेसिक फार्मूला क्या है और जनरल में इसकी एंट्री क्या है। राइट शेयर आर दी शेयर विच आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अंडर सच प्री एम्प्टिव राइट। राइट, जब कंपनी ने दूसरी दफ़ा अपने शेयर इशू करने होते हैं तो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 कहता है सबसे पहले कंपनी का हक जो है, जो शेयर लेने का हक जो है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। कंपनी का जो फ़र्ज है वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करे जिनके पास पहले ही कंपनी का शेयर मौजूद है। अपने मौजूदा शेयर होल्डर को दूसरी दफ़ा अगर कंपनी को शेयर अलाट कर रही है तो पहले उनसे पूछे या उनको अलाट करे। तो बेसिक फार्मूला जो है, V इज इक्वल टू एम माइनस एस एन प्लस वन। V मीन वैल्यू ऑफ राइट, M मीन मार्केट वैल्यू, S मीन सब्सक्राइब इशू किस वैल्यू पे आप उनको दे रहे हैं और किस वैल्यू पे वो आपसे ले रहे हैं और कितने पैसे पे कर रहे हैं उसको कहते हैं S, और N मीन नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस वन। आगे चल रहे हैं जनरल में इसकी एंट्री क्या है। ये एक एग्जांपल है, आमिर कंपनी इशूड, जो आमिर कंपनी है इशूड कर रही है 1000 राइट शेयर इन द प्राइस ऑफ 12 रुपीज़ की प्राइस पे। उसकी पावर वैल्यू जो है, शेयर की पावर वैल्यू है 10 रुपये और मार्केट वैल्यू है 15 रुपये। सबसे पहले एंट्री होगी सेकेंडरी शेयर होल्डर। सेकेंडरी शेयर होल्डर में सबसे पहले हम देखते हैं कितने शेयर हमने इशू करने हैं राइट शेयर, उसको पकड़ के मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सेकेंडरी शेयर होल्डर में मार्केट वैल्यू के हिसाब से इजाफा हो रहा है। उनकी वैल्यू तो मार्केट में 15 रुपीज़ है ना शेयर की, तो इसलिए उनके अकाउंट में 15 रुपीज़ के हिसाब से डेबिट हो रहा है। तो 1000 को मल्टीप्लाई किया 15 से, आ गया 15000। टू प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो ऊपर वाली कितनी, 5 रुपये ज़्यादा है, तो वो उसको शेयर सेकेंडरी शेयर होल्डर को प्रीमियम कितना मिल रहा है, मिल उसको 3 रहा है, पर उसका प्रीमियम जो है ना, इसमें इस एंट्री में हमने सिर्फ प्रीमियम लिखना होता है, जो शेयर की ऊपर वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 15 रुपये है ना, ईच शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो 15 माइनस 10 5 मल्टीप्लाई 1000, 5000 जो है वो प्रीमियम है। और टू शेयर कैपिटल में जो है वो हमारी जिम्मेदारी, तो हमने पैसे तो उनको जो पे करने हैं 10 रुपये के हिसाब से, कंपनी की जो जिम्मेदारी है वो तो उसने 10 रुपये के हिसाब से पे करने हैं, बेशक वो 12 का करे बेशक 15 का करे, उसने पैसे जो है 10 रुपये के हिसाब से करने हैं, और उसका जो शेयर कैपिटल क्रेडिट जिम्मेदारी होगी वो 10 रुपये के हिसाब से होगी, इसलिए 10 मल्टीप्लाई 1000 मतलब 10000। ये इसकी नीचे नरेशन लिखी है, इशुएंस ऑफ राइट शेयर। आगे इसकी एंट्री, जब हम उससे शेयर होल्डर से पैसे रिसीव करेंगे। ये तो इशुएंस की थी, जब इशू करेंगे, आगे जब उनसे पैसे रिसीव करेंगे, जब पैसे रिसीव करेंगे तो बैंक क्या होगा, डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे। बैंक में किस हिसाब से पैसे आएंगे, हमने उन्हें कहा था दी 12 रुपीज़, ये 12 रुपीज़ के राइट शेयर हमने उनको इशू करना है, तो बैंक में 12 रुपीज़ के हिसाब से पैसे आएंगे। 1000 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 12000 आगे नीचे लिख दिया, टू सेकेंडरी शेयर होल्डर क्रेडिट होगा 12000 से। मनी नीचे डोनेशन है, डोनेशन मनी रिसीव टू शेयर होल्डर। तो ये थी जनरल राइट शेयर और जनरल और बेसिक फार्मूला इसका। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब और ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा।